पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 71 वोट थे और ठीक उनको RLB का समर्थन था, 74 वोट थे उनको जीत के लिए 8 वोटों की और आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए और लोगों को एक तरीके से देखा कि हमारे पास वोट आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे, उधर से आ जाएंगे, उसमें वो सफल नहीं हुए। और कांग्रेस ने ये साबित कर दिया कि उनके पास 126 की मेजोरिटी थी और वो कल दिखा दी, उससे तीनों आदमी जीते। मैं तीनों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे राजस्थान की समस्याओं को मजबूती के साथ राज्यसभा के पटल पर रखेंगे और राजस्थान की समस्याओं का केंद्र से समाधान कराएंगे। बड़ी संख्या में वरिष्ठ शिक्षकों ने मुलाकात भी की आपसे, सेवानियों का मामला, देखिए इसमें पदोन्नति का स्तर जो है उनकी मांग हो गया है कि RPSC में इस तरीके की व्यवस्था है वो व्यवस्था प्रमोशन में होनी चाहिए, उसके बारे में विभाग कानून से पूर्ण विचार। नहीं, अब आपकी तरफ से क्या आश्वासन है इनको, ये लोग ये आश्वासन कम है कि हम सहानुभूतिपूर्ण विचार करें। DPC को रोक दिया गया है, एग्जाम खुलेगा 2022 में, उसके लिए CS की अध्यक्षता में अभी पिछले दिनों में मीटिंग हुई है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट पारदर्शिता के साथ इम्तहान होंगे और लोगों को निश्चित रूप से आने वाले समय में 46,500 व्यक्ति जब ये पात्रता में उत्तीर्ण हो जाएंगे तो लेवल इसका दूसरा जो स्टेज है उसका इम्तहान कराया जाएगा और 46,500 अध्यापकों को L1 और L2। 14-16 के एग्जाम का मामला है, इसमें SLP गवर्नमेंट वापस लेने की सरकार की मंशा भी है, उन लोगों को नियुक्ति मिले, लेकिन फाइलें भी अच्छी हैं उसमें के लिए अधिक परीक्षण। मंत्री जी, तबादलों का सीजन भी तबादलों का सीजन अब शुरू हो चुका है, बड़ी संख्या में लोग भी पहुँच रहे हैं, किस तरीके से इस बार की प्राप्ति रहेगी? विभाग की जो अब तक की गाइडलाइन बनी हुई है उसके अनुसार स्थानांतरण होंगे और स्थानांतरण नीति भी लोगों ने CS के माध्यम से भिजवा रखी है, यदि वो अप्रूव हो जाएगी तो उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार भी होगा। मंत्री, 3 साल बीत चुके हैं, तबादला नीति अब तक बन नहीं पाई है। तबादलों के लिए विभाग में गाइडलाइन बनी हुई है, थर्ड ग्रेड के टीचर्स के ट्रांसफर जिले स्तर पर होते हैं, जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनके स्थानांतरण डिवीजन स्तर पर होते हैं और जो व्याख्याता हेडमास्टर और प्रिंसिपल है उनका स्टेट लेवल पर ट्रांसफर होता है, गाइडलाइन बनी। अब इसमें थर्ड ग्रेड टीचर्स जो अन्य जिलों में हैं वो मतलब दूसरे जिलों में आए।